हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने अब तक देख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस, और एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर देख चुका है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा डीप में जाते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो बजट की तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इट रिफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स भी होना चाहिए, मुझे लगता है मुझसे छूट गया है, लेकिन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ये हो गया करंट अकाउंट। मतलब कि हमने चार चीज़ें देखी थी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स मतलब कि सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो जो पहला तीन कॉम्पोनेंट है वो हो गया करंट अकाउंट का पार्ट, और जो कैपिटल ट्रांसफर हो गया वो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। हमने देखा था जो भी कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो या एसेट कम करता था या लाइबिलिटी कम करता था, या एसेट क्रिएट करता था या लाइबिलिटी क्रिएट करता था। तो कैपिटल अकाउंट में भी यही चीज़ होगा कि सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होंगे, जो कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में चेंज करेंगे, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के लिए हो या गवर्नमेंट के लिए हो, ठीक है। सो गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए करंट अकाउंट, एंड बाकी एसेट और लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंज करेंगे वो हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार कॉम्पोनेंट थे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। जो पहले तीन हो गए वो हो गया करंट अकाउंट, और लास्ट कैपिटल ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट की। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस करना तो बनता है। सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स। हमें पता है करंट अकाउंट में जो कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट थ्री है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसके अलावा एक चीज़ और आता है, वो है इनकम, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो पहला जो हो गया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, मतलब कि हमने जो भी प्रोडक्ट्स बाहर बेचे और जो प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदे उन सब का ट्रांजैक्शन इस चीज़ में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, वो जो बाहर को प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा ट्रांसफर या फिर एक वन वे ट्रांजैक्शन। तो अगर हमने किसी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या किसी मतलब कोई भी फॉरेन में हमने फंड्स भेजे, गिफ्ट्स भेजे, कोई रेमिटेंस भेजे, तो वो हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। और वहीं कहीं बाहर से आया गिफ्ट या फिर फंड तो आ गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह इनकम, रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। हमें पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे कंपनीज हैं जो बाहर के लोग को काम देती है, और बाहर की कंपनीज भी हमारे लोगों को काम देती है। तो हम जो बाहर के लोगों को पेमेंट करते हैं फॉर देयर वर्क, वो हो गया इनकम पेमेंट्स टू अब्रॉड, और बाहर की कंपनी जो हमारे लोगों को इनकम देती है वो हो गया इनकम, रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम। हर एक बैलेंस की तरह इसका भी बैलेंस है सरप्लस। तो हमें पता है कि जो इनफ्लो है वो इनफ्लो होता है क्रेडिट साइड मतलब कि राइट हैंड साइड, एंड ये आता है इन डेबिट साइड जो कि आता है आउटफ्लो। इनफ्लो हमारे लिए अच्छा होता है, तो अगर ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है तो सरप्लस है और हमारा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर डेबिट साइड मतलब कि ये साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, तो वो होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम लोग कहेंगे सरप्लस और इसको कहेंगे डेफिसिट, ठीक है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो हो गया इनफ्लो, सरप्लस, और जब डेबिट साइड ज्यादा होगा तो हो गया आउटफ्लो और ये हो गया डेफिसिट। तो करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। क्यों नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर? क्योंकि फॉरेन सेक्टर में क्या आता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आते हैं। और नेट इनकम मतलब एग्जैक्टली क्या इनकम है, तो जितना भी चीज हम लोग भेज रहे हैं, जितना चीज हम लोग को मिल रहा है, सब चीज का हम लोग का रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसलिए नेट इनकम बताता है। ओके, अब कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ये इस तरीके कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये डेबिट आइटम्स है हमारे, ये क्रेडिट आइटम्स है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब आता है नेट क्रेडिट। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट आइटम्स। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में हम जो अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो घट रहा है, इसलिए डेबिट साइड। उसी तरह गुड्स को सर्विसेज से बदल दीजिए, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड। और इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज मतलब हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं सर्विसेज को लेने के लिए, इसलिए ये हो गया डेबिट साइड। उसी तरह ट्रांसफर रिसीव्ड एंड ट्रांसफर पेमेंट, मतलब ये आ गया यूनिलैटरल ट्रांसफर है, क्योंकि ये कोई काम के लिए हम लोग नहीं भेज रहे, ये बस रिलीफ फंड, गिफ्ट या स्कॉलरशिप की वजह से आ रहा है। तो ट्रांसफर रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब हमारे आन में इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो और सोर्स जब भी होगा तो वो क्रेडिट साइड होगा, आउटफ्लो और यूज होगा तो वो डेबिट साइड होगा। तो ट्रांसफर रिसीव्ड्स, रिसीव्ड्स मतलब इनफ्लो, इसलिए क्रेडिट साइड। ट्रांसफर पेमेंट है तो ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है। उसी तरह इनकम रिसीट और इनकम पेमेंट किधर होगा, इनकम रिसीट्स हो गया क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम रिसीव हो रहा है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आ रहा है। इनकम पेमेंट हो गया फॉरेन एक्सचेंज का यूज, तो ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो गया नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और ये जो सिर्फ अगर इतना को हम लोग लें तो ये होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, सिर्फ इतना को कर लें तो। फिर उसी तरह नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। उसी तरह नेट ट्रांसफर रिसीट्स हो गया ट्रांसफर रिसीट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट। नेट इनकम रिसीट्स मतलब इनकम रिसीट्स माइनस इनकम पेमेंट। फिर लास्ट में आता है, ये हो गया हमारा करंट रिसीट्स, ये हो गया करंट पेमेंट, और करंट अकाउंट बैलेंस हो गया करंट रिसीट्स माइनस करंट पेमेंट। ध्यान रखिए नेट क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना है, ठीक है, तो इसलिए नेट क्रेडिट वाला चीज नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट ट्रांसफर रिसीप्ट्स, नेट इनकम रिसीप्ट्स एंड करेंट अकाउंट्स बैलेंस, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि आप इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो भी क्रेडिट आइटम्स में सारी चीजें रिकॉर्ड होगी जिसका हम लोग जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है या सोर्स है, और डेबिट आइटम्स में वो चीजें रिकॉर्ड होंगी जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है जिससे और उससे यूज हो रहा है। ओके, कैपिटल अकाउंट की अब बात करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिससे एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो एसेट और लायबिलिटीज चाहे वो रेजिडेंट्स के हो या गवर्नमेंट के हो, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो हमें पता है कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट्स थोड़े बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा था बोरोइंग्स, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब लोन लेना या देना, ठीक है। लोन अगर हम लोग लेंगे बाहर से तो हो गया बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, देंगे तो हो गया बोरोइंग्स टू अब्रॉड। उसी तरह इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग बाहर करते तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, और अगर बाहर से कोई करता तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। और फिर एक लास्ट आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमें पता है आरबीआई क्या करता है कि वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, मतलब उसके पास बहुत सारे फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स रहते हैं। तो जब हम लोग ये फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने की बात करें, मतलब हम लोग बात करें कि इंडियन रुपीस बढ़ रही है, तो जब भी हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को जाना है कहीं बाहर, ठीक है, हम लोग को जाना है बाहर, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको आरबीआई को क्या करेंगे, पैसा देंगे और वो कहेंगे कि आप डॉलर में एक्सचेंज करा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा रिजर्व कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा रिजर्व जो वो डॉलर का था वो कम हो जाएगा, वो विड्रॉल हो जाएगा उससे रिजर्व। तो उससे क्या होगा कि आरबीआई के पास इंडियन करेंसी ज्यादा आ गई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ गया, ठीक है। लेकिन वही अगर वो एडिशन हो जाता है रिजर्व का, कि मान लीजिए कि कोई और आता है तो उसको इंडियन रुपीज चाहिए, वो डॉलर सबमिट कर देता है, तो रिजर्व हो गया, डॉलर का सबमिट हो गया, उससे रिजर्व बढ़ गया, एडिशन हो गया। तो उससे क्या हुआ, उसको आरबीआई ने उसको दे दिया इंडियन रुपीज, डॉलर उससे लिया और बदले में इंडियन रुपीज दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि रुपीज उसका कम हो गया, डॉलर बढ़ गया, रिजर्व बढ़ गया। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया नेगेटिव साइड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। तो उसी तरह बैलेंस की अगर बात करें तो वही सेम चीज है, ये क्रेडिट साइड है, ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है। अगर ये साइड बढ़ती है तो उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस, और ये साइड बढ़ती है तो इसको कहते हैं डेफिसिट। इसका मतलब इनफ्लो ऑफ कैपिटल, इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, इसका मतलब इनफ्लो ऑफ रुपीस, इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ रुपीस। अब हम लोग उसी तरह टेबल की बात करें तो डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, बोरोइंग्स था, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड, ठीक है। तो जब हम लोग बोरोइंग्स और लेंडिंग की बात करते हैं तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि एसेट मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट आइटम्स क्या होता है, क्रेडिट आइटम्स मतलब पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रहा है हमारे पास, ध्यान रखिए। क्रेडिट आइटम्स मतलब इनफ्लो एंड डेबिट आइटम्स मतलब आउटफ्लो, ठीक है। तो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, जब हम लोग बाहर से बोरो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनफ्लो आ रहा है। इनफ्लो ऑफ क्या आ रहा है, डॉलर का नहीं आ रहा है, इनफ्लो ऑफ इंडियन रुपीज, ठीक है। तो हो गया इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड में बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। जब हम लोग बाहर किसी को लेंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग इंडियन रुपीज चली जाएगी हमारी, ठीक है, ऑब्वियसली चली जाएगी। तो जब चली जाएगी तो क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो गया उससे। तो ये हो गया डेबिट साइड में। उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोग ने इंडिया में किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मतलब बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कोई लैंड ही खरीद लिया है, कुछ भी किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर हमने कहीं बाहर किया तो हो जाएगा डेबिट साइड में, नेगेटिव साइड में। उसी हिसाब से हमने देखा था कि जब डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज मतलब यहाँ रिजर्व्स की बात हो रही है, ठीक है, रिजर्व्स की बात हो रही है। तो अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम हो जाएगा मतलब इंडियन रुपीस जो है ज़्यादा आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा उससे हमारा। तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा आरबीआई में, इसका मतलब फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो रही है, तो ये हो जाएगा डेबिट साइड में। और जैसे करंट रिसीव्स एंड करंट पेमेंट था, उसी तरह कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल पेमेंट होगा। अब नेट क्रेडिट की बात करते हैं तो हो गया क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में क्या है, बोरिंग्स है, तो नेट बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा अच्छा लगता है, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ऐसे भी। तो नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा बुरा नहीं देखना है, आपको देखना है इनफ्लो क्या हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। आउटफ्लो हो रहा है बाहर देने से, लोन बाहर इन्वेस्ट करने से और बाहर की करेंसी को ज़्यादा यूज़ करने से, या बाहर की करेंसी को यूज़ नहीं कहना चाहिए, बाहर की करेंसी का रिजर्व ज़्यादा आने से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में, ठीक है। तो ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स उन सारे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जो कि कोई प्रॉफिट मोटिव या इकोनॉमिक मोटिव के लिए करते हैं। सो ऑल दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको हम लोग कहेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हो सकते हैं, अकोमोडेटिंग मतलब कि एक तरीके से कवर करना, ठीक है, एडजस्ट करना। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि किए जाते हैं डेफिसिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए, ठीक है, टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि डेफिसिट तो ठीक है कवर करना चाहिए, सरप्लस क्यों कवर करना चाहिए, सरप्लस क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कैपिटल अकाउंट में अगर सरप्लस है मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। क्रेडिट साइड में क्या होता था, बोरोइंग्स कर रहे थे, अगर वो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा क्रेडिट साइड होगा सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, लेकिन ज़्यादा बोरिंग्स करना अच्छा तो नहीं है, तो डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए भी अकोमोडेटिंग आइटम्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऑटोनॉमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पीओपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए फॉरेन कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया इंडिया पे फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो उससे तो हमारे कंट्री पे कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से तो नहीं हुआ कि अच्छा है बुरा है, उसकी वजह से तो नहीं हुआ। ठीक है, अकाउंट के इन्फॉर्मेशन की वजह से उसने तो बस इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट मोटिव के लिए। लेकिन ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होगा कि वो मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट्स, इसके लिए हम लोग करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स होता है प्रॉफिट मोटिव एंड इकोनॉमिक मोटिव के लिए, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि बीओपी सरप्लस है डेफिसिट है कैसा भी है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए होते हैं, इसलिए ये किया जाता है मेंटेन द बैलेंस के लिए। ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स में करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स में सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि अगर तुम डेफिसिट जो है कवर करना है, ठीक है, एंड डेफिसिट कवर करना तो तुमको बोरिंग्स करना पड़ेगा, सरप्लस करना तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स को हम लोग अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, अगर ये अबव द लाइन है तो अकोमोडेटिंग हो जाएगा बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, ऑटोनॉमस हो गया अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग हो गया बिलो द लाइन। जैसे ऑटोनॉमस में सब चीज़ आती है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, रीपेमेंट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया करंट अकाउंट का पार्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो गया कैपिटल अकाउंट का पार्ट, और ये अकोमोडेटिंग आइटम्स होता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट, मतलब बोरोइंग्स, जैसे तो बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ऑटोनॉमस आइटम्स क्या हो गए, प्रॉफिट इकोनॉमिक मोटिव के लिए जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम्स हो गए जो भी ट्रांजेक्शन डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए किया जाता है। ऑटोनॉमस आइटम्स इससे सिर्फ देख के किया जाता है, प्रॉफिट को देख के किया जाता है, ना कि देख के किया जाता है कि बीओपी सरप्लस है डेफिसिट है बैलेंस है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स हम लोग तभी करेंगे ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। ऑटोनॉमस आइटम्स करंट कैपिटल दोनों होगा, लेकिन अकोमोडेटिंग ओनली ऑन कैपिटल। ऑटोनॉमस अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन आइटम्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऑटोनॉमस में दोनों का एग्जाम्पल दे दीजिए, अकोमोडेटिंग में सिर्फ एक का दीजिए। ठीक, अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है डेफिसिट एंड बैलेंस पेमेंट, या बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, मैंने गलती से छूट गया था तो उसके लिए सॉरी। डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट अराइजेस व्हेन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन द टोटल आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। मतलब कि इनफ्लोज जो है कम है आउटफ्लोज से, तब डेफिसिट होगा, ये तो आपको पता है। मेन इसमें यह है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्यों, क्योंकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस तब कर सकते हैं जब सरप्लस या डेफिसिट को कवर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ जब डेफिसिट का हम लोग को पता चलेगा तो वो किस पे होगा, सिर्फ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस पे होगा। इसलिए ये जब टोटल इनफ्लोज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन टोटल आउटफ्लोज ऑफ सच ट्रांजैक्शन देन देयर इज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसके जो मेन कुछ फैक्टर्स हैं वो, मतलब जनरली यही सब फैक्टर्स होते हैं कोई भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए जैसे इन्फ्लेशन अगर बहुत बढ़ने लगा, ठीक है, महंगी हो गई सारी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे डेफिसिट आ जाएगा। चाहे जैसे हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया, हम लोग बहुत अब फॉरेन गुड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से काम में चेंजेस हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। और लास्ट आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जैसे कि बहुत सारे धरने होने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा, स्ट्राइक होने लगा, उससे काम रुक जाएगा तो इकोनॉमी फिर ख़राब हो जाएगी। और फिर आपको तो पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमारा जो हो रहा है, मान लीजिए अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है कि नहीं हम लोग अब बाहर से ही मंगवाएंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारा डेफिसिट आ सकता है। सो ये भी था क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।